नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीटेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 40 के बारे में। 39 पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो। तो यह सीरीज चल रही थी 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए, जैसे दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, जयपुर मेट्रो आदि सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1020 तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1021 है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है सीरीज वाइंडिंग से अधिक है, आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से कम है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक। तो इनमें से कैसा होता है संट वाइंडिंग का प्रतिरोध, फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है सभी को। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक शेयर सभी को करना है, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताना है सभी को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से अधिक होता है। क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से ही अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दे रखा है डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर में क्या होगा, मोटर में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन दे रखा है नहीं चलेगी, विपरीत दिशा में चलेगी, उसी दिशा में चलेगी, या मोटर की चाल कम हो जाएगी। चलो बताओ क्या होगा अगर डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को परिवर्तित कर दिया जाए तो, मोटर में क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी गति विपरीत दिशा में चलने लगेगी, गति बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, गति बदल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है निम्नलिखित में से किसके कोरक स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है, इसमें इनमें से किसमें कोरक स्क्रू नियम को प्रयुक्त किया जाता है। करंट की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, या घूर्णन की दिशा। चलो बताओ किसमें कोरक स्क्रू नियम को प्रयुक्त किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रयुक्त किया जाता है कोरक स्क्रू का नियम, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से हो जाता है, प्रकाश, चुंबकत्व, ऊष्मा, या घर्षण, किसके कारण होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा स्थैतिक बिजली का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण, किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन, दे रखा है निम्न में से किस बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है, किस बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है, परमाणु, गैस, डीजल, या थर्मल। चलो बताओ किस बिजली संयंत्र में कोयले का प्रयोग किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट में कोयले का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, सीरीज मोटर का, संट मोटर का, इंडक्शन मोटर का, ए व सी दोनों का। तो कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है लिफ्ट में, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए व सी दोनों ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट किया होता है,
ऑप्शन दे रखा है संपूर्ण H2SO4, ऑप्शन बी है एक भाग H2O और तीन भाग H2SO4, ऑप्शन सी दे रखा है दो भाग H2O और दो भाग H2SO4, ऑप्शन डी दे रखा है तीन भाग H2O और एक भाग H2SO4। तो क्या होता है समाविष्ट तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन भाग तो होते हैं जल के H2SO4 के और एक भाग होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या मैनोमीटर। तो किसके द्वारा मापा जाता है विशिष्ट गुरुत्व को, फटाक से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है विशिष्ट गुरुत्व को, राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक शक्ति से सुरक्षा रखता है? इनमें से कौन यांत्रिक शक्ति से सुरक्षा रखता है केबल का? बेडिंग, शीत, आर्म रिंग या उपरोक्त सभी। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैकेनिकल लॉस से कौन सुरक्षित रखता है केबल को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्म रिंग, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5 या 6। चलो बताओ कितनी होती है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है रियो स्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है किसकी होती है? नाइक्रोम की, कॉन्स्टेंट, टाइटेनियम, टंगस्टन। तो किसकी होती है, फटाफट कमेंट करो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंट की, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बुकोल्स रिले कहाँ रखा जाता है? बुकोल्स रिले होता है ट्रांसफार्मर में, उसको कहाँ रखा जाता है? कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रस के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में या विस्फोट वेंट और कूलिंग ट्यूबों के बीच में। तो कहाँ रखा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। बुकोल्स रिले को कहाँ रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रस के बीच में रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है एमीटर में, वोल्टमीटर में, वाटमीटर में या एनर्जी मीटर में। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर में, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है HRC फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, सी व डी दोनों। तो किसके खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है HRC फ्यूज, फटाफट कमेंट करो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के खिलाफ, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है तापमान, वेग, त्वरण या प्रवाह। चलो बताओ किसके मापने के लिए किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण को मापने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? ओममीटर का, मल्टीमीटर का, मेगर का या एक्सटर्नल ग्राउलर का। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है। इनमें से ऑप्शन दे रखा है ओम का नियम, ब्रिज विधि, वार्ड लियोनार्ड विधि या लोरेंज विधि। तो किस विधि द्वारा प्रतिरोध का पूर्ण मान किया जाता है, पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, बताओ फटाफट क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरेंज विधि द्वारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है दाब कुंडली किसके द्वारा बनी होती है प्रेशर कुंडली। दाब कुंडली को प्रेशर कुंडली भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा बनी होती है, पतले तार के अधिक संख्या में टर्न, पतले तार के कम संख्या में टर्न, मोटी तार के कम संख्या में टर्न या मोटी तार के अधिक संख्या में टर्न, तो कैसी बनी होती है फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतली तार के अधिक संख्या में टर्न द्वारा बनी होती है दाब कुंडली, जिसे प्रेशर कुंडली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है। इनमें से अर्थ कनेक्शन के लिए कौन सा तार प्रयोग में लिया जाता है, काला, लाल, नीला या हरा, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे का, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्यूजिंग कारक को डैश के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अधिकतम विद्युत धारा और रेटेड वोल्टता, अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्टता। तो किसके बीच अनुपात में परिभाषित किया जाता है फ्यूजिंग कारक को, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्टता के बीच परिभाषित किया जाता है, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर डैश का मापन करता है, किसका मापन करता है, शिखर मान, औसत मान, प्रभावी मान या शिखर से शिखर तक का मान, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी मान, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं, इनमें से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली हानियां कौन सी है, उपकरण संबंधी त्रुटियां, सकल त्रुटियां, प्रेक्षणीय त्रुटियां या सिस्टमेटिक त्रुटियां, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर जरूर करना है, सभी को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल त्रुटियों के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, पांचवर ब्रोंज, लोहा या चांदी। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है एडी करंट डिस्क में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है सापेक्ष विद्युतशीलता को डैश ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है। सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है, व्हीटस्टोन, सेयरिंग, एंडरसन या केल्विन, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडरसन ब्रिज द्वारा, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि केबल की लंबाई 2 गुना हो जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी, 1/4, 2 गुना, अपरिवर्तित या आदि, कितनी होती है केबल की लंबाई, 2 गुनी होने पर धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 गुनी हो जाएगी धारिता, क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमयन होता है, किसमें
स्पीड रेगुलेशन होता है, श्रेणी मोटर, संट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या बी व सी दोनों, तो किसमें नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।